शहीद भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनक एवं संचार क्रांति के मसीहा स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा भी की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच का परिणाम है कि आज भारत के युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मतदान करने का अधिकार मिला है। उनकी पंचायती राज की परिकल्पना के चलते आम जनता की राज काज में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। उनकी दूरदर्शिता ही थी कि भारत ने 19वीं शताब्दी में आज के भारत की परिकल्पना कर ली थी। अपना सदार सुबह आयोजित करता हूँ। साथियों, आज का दिन हम कांग्रेस जनों के लिए बहुत ही भाव विभोर का दिन। भारत में कि 21वीं सदी के एक विकसित भारत का सपना देखा था और भारत के युवा प्रधानमंत्री के रूप में उनका जितना कार्यकाल है वो सदियों यादगार बनकर रहेगा, जिससे भारत को आगे बढ़ने का एक नया अवसर प्रदान हुआ। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने उस दौर में संचार क्रांति के मसीहा अमर रहे, अमर है। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे। मसीहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संचार क्रांति के मसीहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी जिंदा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी का जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। राजीव अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा। बिहार का घाटा ये थोड़ा सा दूर हो गया, आइएगा तभी कोई दिखेगा, नहीं तो कोई नहीं दिखेगा। इंदिरा राजीव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा राजीव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा राजीव नाम रहेगा। आज भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री संचार क्रांति के मसीहा पंचायती राज के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 76वां जन्मोत्सव हम सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज 21वीं सदी के भारत का सपना, भारत के नव निर्माण का सपना राजीव गांधी जी ने पूरा किया और आज
हम सभी उनके चरणों में अपना सत सत नमन करते हुए उनके बताए मार्गों पर संकल्प लेकर कांग्रेस को बिहार में अगले विधानसभा में प्रचंड बहुमत दिलाने का प्रयास करते हुए आज हम सभी साथी एक सूत्र में बंध करके हम उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हुए हैं। त्रिवेणी प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, भोजपुर।